नमस्कार प्रिय साथियों गोल्ड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगेन बैक चूँकि इस बीच लगातार हम लोग प्रैक्टिकली एंड ग्राउंड बेसिस पे काम कर रहे थे और जैसे टीम में मैक्सिमम लोग इसमें एक एक अच्छे-अच्छे और टॉप लेवल के अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिफाई कर रहे हैं एंड दे आर रियली अचीविंग एंड देयर लाइफ इन ग्लोबल इंडिया गोल्ड सो कहीं ना कहीं वी वर ऑलरेडी बिजी इन ऑफलाइन मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग बाहर जाना लॉकडाउन खुलने के बाद से बाहर मिलना तो ऑनलाइन आना और वीडियो बनाना और ये थोड़ा सा मैं काफ़ी दूर हो गया था बट अगेन काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा फील हो रहा था कि आप सभी से मुखातिब हूँ और बहुत खुशी है कि आज एक बेहतरीन मोमेंट बेहतरीन सेशन के साथ फिर से आप सभी के साथ मुखातिब और अब लगातार हम लोग फिर से लाइव रहेंगे और लगातार अपडेट करते रहेंगे लगातार आप सब साथियों की सेवा में समर्पित रहूंगा मैं प्रियांशु सिंह स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का दोस्तों कई चीज़ें अपडेट हुई हैं इस बीच में तो मैं एक लेटेस्ट अपडेटेड पी डी के साथ फिफ्टी के साथ आप सबके सामने ग्लोबल इंडिया गोल्ड का प्रजेंटेशन प्रजेंट present करने जा रहा हूं तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ग्लोबल इंडिया गोल्ड वैसे तो ग्लोबल इंटर गोल्ड ये इसकी मदर कंसर्न कंपनी है जो 2010 में फाउंड हुई थी आज लगभग 11 साल हो गया इसको और इसका हेड क्वार्टर लंदन में है वर्ल्ड्स नंबर वन ऑनलाइन गोल्ड शॉप है ये मोर देन सिक्सटी लैक्स कस्टमर वर्ल्ड वाइड यहाँ ऑलरेडी इसको इंजॉय कर रहे हैं अगर आप गूगल पर डालते हैं नंबर वन ऑनलाइन गोल्ड शॉप तो कुछ इस तरह का पहला जो आता है वो इंटरगोल्ड जे आई का ही आता है जे आई एस ऑफिस देखेंगे इनके म्यूनिक जर्मनी मेक्सिको, जिनेवा एट्सट्रा और इंडिया में दिल्ली में है नेटवर्क इनका वन नाइन्टी सिक्स कंट्रीज़ में है सेट ऑफ गोल्ड बार्स ये अपने सोने का बिस्किट तैयार करते हैं एक ग्राम से लेके दो ग्राम तीन ग्राम पाँच ग्राम दस ग्राम बीस ग्राम पचास ग्राम सौ ग्राम इस तरह का यह शुद्ध चौबीस कैरेट ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन फाइन क्वालिटी का बिस्किट तैयार करते हैं दिल्ली में ये ग्लूबर गोल्ड का ऑफिस मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप देखेंगे ये कंपनी अपने आप में अनोखी और बहुत बड़ी ब्रांड है कैसे 2018 में इन्होंने अपना जे कैपिटल लिमिटेड के नाम से एक अपना एशियन जारी किया था जिसका प्राइस था उस समय टेन यूरो आज उसका प्राइस बढ़ के हो गया है लगभग छप्पन यूरो यानी कि पिछले ढाई सालों में लगभग छः गुना ग्रोथ पे इनका शेयर है लंदन शेयर मार्केट में है ये ओपन पी है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जे जे कैपिटल लिमिटेड सर्च करके लिख सक लिख के देख सकते हैं दोस्तों मेरा कहना यह है कि यह कंपनी नहीं बहुत बड़ी कंपनी आई I मीन mean, इंटरनेशनल बहुत बड़ी ब्रांड है और इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देर शेयर आठ सौ वैल्यूएबल एंड इनक्रीजिंग डे बाय डे इन ए प्रॉफिट मैटर बात करें अगर कंपनी के लंदन गोल्ड माइंस जर्मनी इन साउथ अफ्रीका जबकि रिफाइनरीज की बात करेंगे तो जर्मनी इस्ताबुल्पेन ऑस्ट्रेलिया इंडिया अदर्स कंट्रीज में भी है ये ग्लोबल इंडिया गोल्ड दिल्ली में ऑफिस डॉक्टर किचन कंपनी है पेरेंट कंपनी है ग्लोबल इंटर गोल्ड अगर हम इंडियन लीगल स्ट्रक्चर की बात करें तो देलोडी रजिस्टर्ड इन एम सी ए रजिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बैंक डिटेल्स पैन कार्ड जी एस टी रजिस्ट्रेशन तो ऑल लीगलिटीज़ को इन्होंने कम्प्लीट करते हुए अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाया है आप चेक कर सकते हैं यहाँ से सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि विश्व की नंबर वन कंपनी भारत की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी के साथ इन्होंने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है इंडिया में सो कहीं कहीं नहीं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साथियों की जो हमें गोल्ड बार मिलेगा वो एम एम टी सी पैम्प की गारंटी के साथ उसके मोहर के साथ मिलता है और एम एम टी सी क्या है आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब कर सकते हैं ये इंडिया की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी है जो शुद्ध ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन फाइन क्वालिटी की गारंटी देती है और भारत सरकार आ, के साथ जो इनका भारत सरकार की सबसे बड़ी रिफाइनरी कह सकते हैं उनके साथ जी आई जी टाइप के साथ इंडिया में मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट की है ये रिकॉर्ड है पिछले पचपन सालों का अगर आप पिछले पचानवे साल का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो गोल्ड में कभी किसी का एक रुपया नुकसान नहीं हुआ है रेदर एवरी थ्री इयर्स में हर तीन साल में इसका रेट डबल हो जाता है यह डेटा बोल रहे हैं वैसे मेरा एक सवाल आप सभी से है कि हम लोग गोल्ड कब खरीदते हैं सी बात है दिवाली में गिफ्ट देने के लिए शादी में या आने किसी शुभ अवसर पर सो गोल्ड ख़रीदने के दो तरीके होते हैं एक तो हम गए सपोज करते हैं हम एक लाख तीस हज़ार की ज्वेलरी पसंद आई तो हम एक लाख तीस हज़ार दे के ज्वेली ले लेते हैं या दूसरा तरीका होता है कि कई ज्वेलर्स चलाते हैं कि आप टेन परसेंट दे के अमाउंट बुक कर लीजिए बाकी ई एम अपनी जेब से भरते रहिए ग्यारह ई दीजिए बारहवा ई एम वो लोग फ्री करते हैं और लास्ट में आपको गोल्ड रिसीव कराते हैं जे जी का प्लान कैसे है जे जी को समझना बहुत इजी है अगर इस मायने में अगर इस प्लेटफॉर्म से समझे इस पैटर्न पे कि जैसे अगर आप मार्केट से गोल्ड लेते हैं तो वहाँ पे आपको जेब से ही ई भरनी है चाहे बारह ई भरना हो टोटल अपने जेब से ही देते हैं जबकि जे जी से अगर आप गोल्ड वाई खरीदते हैं तो यहाँ पे बुकिंग अमाउंट के रूप में एक बार अपने जेब से एक किस्त छोटा सा देना होता है उसके बाद सारी ई फ्री हैं अपने जेब से एक रुपया भी आपको ई नहीं देना है बस कुछ कंज्यूमर दे दीजिए इनको कुछ कस्टमर दो चार दे दीजिए वहीं से आपको गोल्ड आता रहता है और आप अच्छा खासा गोल्ड इकट्ठा कर सकते हैं ग्लोबल इंडिया गोल्ड कैसे अलग है यह हम लोग समझते हैं यहाँ जीवन मात्र एक बार किस्त देकर ढेर सारा सोना कमाने का अवसर है ये इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि यहाँ बिजनेस स्टेबल प्लान पे चलता है ये अपने आप में यूनिक है ये एक हाइब्रिड प्लान है अलग है टेबल प्लान है क्या आइए समझते हैं हम लोग आप इसको तीनों पैकेज में से किसी एक के साथ शुरू कर सकते हैं यहाँ पे तीन पैकेजेस हैं एक लाइट टेबल जिसे स्टार्ट करने के लिए आपको आठ हजार पॉइंट्स की ज़रूरत होती है अगर हम चाहें तो स्मार्ट टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं जिसके लिए हमें बाईस हज़ार पॉइंट चाहिए या फिर हम प्रो टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं छत्तीस हजार पॉइंट के साथ तीनों में से किसी भी एक टेबल के साथ हम स्टार्ट करके सारे लाभ ले सकते हैं लेट्स एग्जांपल हम लाइट टेबल यानी कि सबसे छोटे आठ हज़ार की बात करें तो आठ हज़ार पॉइंट्स के साथ इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं अब सवाल उठता है कि पॉइंट्स कैसे प्राप्त करें तो पॉइंट्स प्राप्त करने के तीन तरीके हैं पहला या तो आप आठ ग्राम गोल्ड खरीद लें बदले में आपको आपने फेक करेंसी दिया और फेक करेंसी देने के बाद आपके पास आ जाता है गोल्ड रियल गोल्ड यानी कि फेक करेंसी दिया आपने पचास हज़ार मान लेते हैं और पचास हजार का सोने का बिस्किट गोल्ड आपके पॉकेट में आ जाता है बदले में साथ ही आपको आठ हजार पॉइंट भी फ्री में मिलता है ये साठ हज़ार से आपका टेबल एक्टिवेट हो सकता है दूसरा लाइफ स्टाइल किट खरीद कर लगभग सोलह हजार इसका प्राइस है ये खरीदते हैं तो भी आपको आठ हज़ार पॉइंट्स मिलते हैं एंड द सेम वे अगर ये दोनों नहीं तो आप एक इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जिसका नाम है सक्सेस फ्रेवर बुक ये आठ हजार की होती है चार सौ जी बदले में भी आपको आठ हजार पॉइंट्स मिलता है तो किसी भी एक पैकेज को लेके आप आठ हजार पॉइंट्स अपना टेबल एक्टिवेट कर सकते हैं अब ये टेबल चलता है कैसा है ये समझते हैं <coughs> सपोज करते हैं आप यहाँ पे आ गए और पूरे जीवन में आपको मिनिमम तीन बिजनेस पार्टनर के साथ ये फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी है चूंकि ये गोल्ड का बिस्किट का कारोबार है इसलिए हमें यहाँ भीड़ नहीं लाना हमें यहाँ सेलेक्ट करके छाट के उन एम और पॉजिटिव माइंडेड ओपन माइंडेड बिज़नेस पार्टनर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना अपनी फ्रेंचाइजी देनी है जहाँ से आपको बिजनेस आगे बढ़ाता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि मिनिमम थ्री डायरेक्ट रिवर्स आपके होने चाहिए आप इसके सारे लाभ लेना चाहते हैं तो सपोज करते हैं आपने ए बी सी तीन बिजनेस पार्टनर दिए आप जैसे ही इन तीनों में से किसी ने भी एक मान लेते हैं ए ने अपना ए वन ए टू ए थ्री एक क्राइटेरिया तीन करके पूरा करते हैं पहला सेक्शन पूरा होता है और पहला ही पेमेंट आपका बनता है सोलह हज़ार आठ सौ आपने लगाया था मात्र आठ हज़ार चार सौ जीवन में एक बार दोबारा अपने जेब से एक रुपया भी नहीं लगाना और जैसे ही आपने तीन क्राइटेरिया पूरा किया ए बी सी उनमें से किसी ने भी अपना क्राइटेरिया पूरा किया तो आपका पहला सेक्शन कम्प्लीट होता है सोलह ऐसे मिस्टर बी ने अगर दिन किया तो सोलह फिर से और मिस्टर सी ने किया फिर सोलह हजार आठ सौ जबरदस्त प्लान यानी कि मात्र बारह लोग बयालीस हजार आप ले लेते हैं आठ हजार डिडक्ट होकर एक नया टेबल मिल जाता है अगर आप चाहें तो यहां आए अदरवाइज क्विट कर सकते हैं पूरे कंपनी को बिजनेस लेकर पूरा पचास हजार इनकम लेके दो जगह आपको मौके मिलते हैं एक तो तीस दिन के मनी बे गारंटी सबसे पहले अगर नहीं समझ में आता तो आप क्विट कर सकते हैं एक रुपये भी नहीं कटता जी एस टी भी नहीं कटती आपको पूरा पैसा वापस सेकेंड जब पूरा टेबल कम्प्लीट होता है देन यू कैन क्विट क्विटअल्सो आफ्टर टेकिंग ऑल अमाउंट बट आप बिजनेस मानसिकता समझते हैं तो आप यहाँ से सोचते हैं कि भाई मैंने पहले ही डबल ले लिया प्रॉफिट फिर सोलह हज़ार फिर सोलह हज़ार तो लास्ट वाले से आप आठ हज़ार या ऑटो मूव में जाता है और फिर आपको एक नया टेबल मिलता है और यहाँ से लाइफ टेबल लाइफ टाइम इनकम आती रहती है कैसे जैसे ही आपका टेबल कंप्लीट होगा आप वहाँ से निकलेंगे और अपने अपलाइन के टेबल में चले जाएंगे जहाँ भी आपके अपलाइन होंगे और आपको एक नया टेबल मिल जाता है अब ऐसे ही मिस्टर ए का, का काम हो रहा होता है मिस्टर ए अपना टेबल कंप्लीट करते हैं आफ्टर टेबल कंप्लीशन वो कहीं और नहीं आप ही के टेबल में आएंगे ऐसे ही मिस्टर बी अपना टेबल कंप्लीट करने के बाद फिर से आपके टेबल में और इसी प्रकार मिस्टर सी अपना टेबल कंप्लीट करने के बाद फिर से आपके सेक्शन में सबसे अनोखा सबसे अजूबा सबसे मज़ेदार चीज़ ये है दोस्तों कि वही तीनों लोग जो एक बार आप जीवन में जिन्हें रेफर करते हैं वो अगेन एंड अगेन ऑटो फिल करते हैं आके आपका टेबल बार बार भराते हैं और इस प्रकार जब जब सेक्शन कम्प्लीट होता है आपको सोलह का पेमेंट आता रहता है सोलह हज़ार आठ तो इस प्रकार ये टेबल लाइट टेबल काम करता है और हर बार जब जब, जब टेबल कंप्लीट होता है आपको पचास हज़ार चार सौ यानी कि बयालीस हज़ार प्लस एक गोल्ड टेबल लाइट सेट टेबल मिलता है आइए समझते हैं जे जी, जी सबसे अलग कैसे है देखिए यहाँ कोई प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं है ना कंज्यूमिंग है ना कोई ख़रीदारी अनिवार्य है, है सबसे बड़ी बात मार्केट में जो लीडर्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रहते हैं कई बहुत सारे साथी हमारे इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके हर महीने ख़रीदारी करना पड़ता है जबकि वो कमाने गए हैं न कि खरीदारी करने तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बॉदर होता है तो यहाँ पर बहुत रिलीफ है किसी प्रकार की कोई ख़रीदारी नहीं करना सेकेंड कोई कैपिंग नहीं है कैपिंग आप समझ सकते हैं कई जगह होता है कि भाई अगर आपका एक लाख बना ले लेगी कैपिंग तीस हज़ार है तो तीस हज़ार ही मिलेगा बाकी लैप्स हो जाता है जी हाँ जी में ऐसा कुछ भी नहीं है नो वर्श आउट कई बड़ी में आपने देखो आप बिज़नेस जीरो हो जाता है हर बार जीरो से स्टार्ट करना होता है वाशआउट हो जाता है कई कंपनियों आप देखो लेग बैलेंस करना होगा एक तरफ आपको लाखों का बिज़नेस पड़ा दूसरी तरफ एक है तो एक का ही वन इस रेशियो के हिसाब से मिलता है तो अपने यहाँ लेग बैलेंस का भी कोई लफड़ा नहीं है कोई टाइम बाउंड नहीं है और सबसे मज़ेदार जो शायद कोई कंपनी नहीं देती यहाँ क्रॉस लेग भी हेल्प करता है अन्य कंपनी में ए का बी से कोई मतलब नहीं होता बी को ए से कोई मतलब नहीं होता बट जिया जी, जी में ए भी एक्कटेबल भराता है बी भी एक्टेबल भराता है अपलाइन भी टेबल भराता है डल लाइन भी टेबल भराता है और भी कई तरह से तो बहुत ही अजब बहुत ही अनोखा बहुत ही गजब का प्लान ऐसा क्यों है बिकॉज जिया जी जय ई कॉमर्स बेस्ड प्लान लाइक like अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक्टेट्रा इनका कुछ अलग हिसाब किताब है दे प्रोवाइड्स लॉयल्टी बोनस प्रोग्राम लाइक यू हैव हर्ड अबाउट दर सच कैंड प्रोग्राम्स क्यों क्योंकि जिया जी एक हाइब्रिड प्लान है इट इज़ नट ट्रेडिशनल प्लान सो जहाँ मैक्सिमम इनकम लोग अर्न कर रहे हैं डे वन से ही फर्स्ट वीक से ही फर्स्ट मंथ से ही जो शायद मुमकिन नहीं है अन्य कंपनी में जहाँ पे लोग दो दो साल तीन तीन साल मेहनत करते हैं जी जान लगाते हैं तब शायद पचास हज़ार रुपये इनकम उनके लिए बनती है बट यहाँ पहले दिन से ही या पहले मंथ से ही पहले हफ्ते से आप पचास हज़ार कमा सकते हैं दोस्तों यहाँ टेबल कई तरीके से भरता है आई समझते हैं कैसे एक तो न्यू प्रस्पेक्ट आएंगे तो भरेगा दूसरे आपके एग्जिस्टिंग इस्पॉन्सर जो होंगे उनसे भरेगा एंड फ्रॉम योर अप्लाइंस न्यू एन एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर से भरता है और फ्रॉम योर डाउन लाइन डाउनलाइन से बढ़ता है शायद ये समझ में आ गया होगा इसीलिए मुझे ज़रूरत है अब टेबल से बताने की क्योंकि रिटर्न में शायद नए साथियों को नहीं क्लियर हो रहा होगा तो मैं एक बार फिर टेबल से एक्सप्लेन करता हूँ शायद आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये आप अपलाइन आप हो गए और ये आपके अपलाइन का टेबल हो गया सपोज करिए अपना अपलाइन टेबल कंप्लीट करके आते हैं यहाँ एक नया टेबल मिलता है उनको और ए राम एंड राज एन शाम ये लोग काम कर रहे होते हैं तब तक आपका टेबल कंप्लीट हुआ और आप पहुंचते हैं यू की पोजीशन पे अपने अपलाइन वाले टेबल में बीच वाला जो टेबल है अपलाइन में अब मान लीजिए अपलाइन तो काम कर रहे थे शाम ने काम किया इधर से राज भी काम कर रहे थे इनका सेक्शन भर बारी आती है जब आपके टेबल की अब समझते हैं आपका टेबल भरता है कैसे है पहली चीज आपके टेबल का जो कोई डायरेक्ट होगा जब उसका टेबल कंप्लीट होगा तो आप ही के टेबल में आ जाएगा दूसरा अपलाइन न्यू प्रोस्पेक्ट जो आपके अपलाइन आप अपने अपलाइन के टेबल में चुकी उनका कोई नया प्रोस्पेक्ट आएगा तो वो भी भी इसी टेबल 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 में में आपके आएगा ऐसे ही अपलाइन के प्रीवियस से कोई कंप्लीट करता है तो भी उसी के टेबल में आएगा चूंकि अपलाइन का ही और टेबल था तो उनका डायरेक्ट भी यहीं पर आएगा ऐसे ही आपका कोई न्यू प्रोस्पेक्ट आपका अपना मिलता है वो भी आप ही के टेबल में आता है और फिर प्रीवियस टेबल से भी कोई अपना कंप्लीट करके निकल के आता है इस प्रकार ये सेक्शन भरता है और आपको सोलह हजार आठ सौ सोलह हजार आठ सौ सोलह हजार आठ सौ मिलता है टोटल पचास हजार चार सौ होता है आइए हम लोग चेक कर सकते चेक करते हैं क्या जी में किसी का पैसा डूब सकता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार लोग बोलते हैं पैसा डूब गया तो कंपनी भाग गई तो तो एक तो कंपनी भाग गई वो अलग चीज है कैसे जब ईडी में जांच हो और आठ महीने नौ महीने की जांच के बाद जब इनको ग्रीन सिग्नल मिला ये अपने आप में प्रूफ हो जाता है कि दे आर है ना लीगली स्ट्रोंग एंड वर्ल्ड वाइड ये लोग काम कर रहे हैं सेकेंड जो आपसे ये गोल्ड खरीद के गोल्ड आपने पचास हज़ार दिया पचास हज़ार गोल्ड ले लिया या आठ हज़ार का को कोई सक्सेस फ्रेमवर्क को ले लिया तो जो हम पैसा दिए उसके बदले में हम प्रोडक्ट मिल गया तो डेफिनेटली भागने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि हमारे ऊपर कोई लेबलिटी नहीं है दूसरी चीज़ अभी गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के हिसाब से लीगलिटीज़ को इन्होंने सब कुछ मोन्टेन किया तो भागने कोई मतलब नहीं लेकिन पैसा फंस सकता है डूब सकता है ये एक सवाल बन सकता है तो आइए चेक करते हैं कि क्या किसी का पैसा जेआ जी में डूब सकता है सपोज़ करते हैं ये आप हो गए और जैसे ये आपने ए बी सी तीन दोस्तों को किया ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं क्या ये जे में किसी का पैसा डूब सकता है ये चेक कर रहे हैं हम लोग आपने तीन स्पॉन्सर किए ए बी सी ठीक है जी लेकिन ए ने काम करना बंद कर दिया वो कुछ कर नहीं रहा ऐसे ही बी ने भी काम करना बंद कर दिया अब आपने देखा कि मेरा ये भी नहीं कर रहा बी भी नहीं कर रहा आप भी निराश हो गए आपने बोला छठ परे यार मैं नहीं करना आपने भी काम करना बंद कर दिया अब मिस्टर सी सिर्फ काम कर रहा है क्या आपको पेमेंट आएगा यस yes, आस्किंग क्या आपको पेमेंट आएगा थोड़ा सा हेल्प करता हूँ मैं आपको दूसरी जगहों पे आपने देखा यू है आप अपलाइन और ये बी आपकी दो टीम है ए ने काम करना बंद कर दिया और आप भी काम करना बंद कर दिए अब सिर्फ बी काम कर रहा है क्या आपको पेमेंट आएगा नो नो पेमेंट वही स्थिति हमारे जे जी में अगर बनती है कि आपने तीन को किया बट ए भी नहीं कर रहा बी भी, भी नहीं कर रहा और सबसे मज़ेदार कि आपने भी काम करना बंद कर दिया अब मुझे मेरा सवाल ये है कि क्या अगर सिर्फ सी करता है तो आपका पेमेंट आएगा बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि अन्य किसी भी सिस्टम में पैसा नहीं आता बट जिया जी, जी में ऐसा नहीं है साहब जी सबसे अलग प्लान है अनोखा है जबरदस्त है कैसे अगर सी भी काम करता है तो सिर्फ सी वाला ही नहीं बल्कि पूरा हंड्रेड परसेंट आपको पेमेंट आएगा और सबसे मजेदार कि आपके ए और बी भी, भी जिंदा हो जाएंगे एक्टिव हो जाएंगे जानना चाहेंगे कैसे आइए देखते हैं मिस्टर सी ने अपना काम करना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने तीन किए एक सेक्शन भरा और आपको मिलता है सोलह हजार आठ सौ अब मिस्टर सी के जो ए बी सी हैं उन्होंने काम किया और मिस्टर सी का होता है टेबल कंप्लीट इनको मिला पचास हजार चार सौ अब मिस्टर सी अपना टेबल कंप्लीट करके अपने अपलाइन के टेबल में जाएंगे और अपलाइन कौन है आप और आपके टेबल में टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट जगह कहाँ खाली है ए के ऊपर सो मिस्टर सी विल बी अराइव ऑन ए सेक्शन अब मिस्टर सी ने एक काम किया आपका दूसरा सेक्शन भी भर गया सोलह हजार आठ सौ यहाँ भी आ गया आपका सोलह हजार आठ सौ आया ये तो समझ में आ रहा वेरी गुड लेकिन इससे भी मज़ेदार ये हुआ कि मिस्टर ए जिंदा हो गए एक्टिव हो गए क्यों क्योंकि बिना कुछ किए उनके टेबल में तीन लोग आ गए अब ये स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा मिस्टर ए को मिस्टर ए अगर आप मीटिंग कराते हो दो चार लोगों से मीटिंग कराते हो और उसमें से अगर कुछ लोग आते हैं तो तुम्हारा पहला सेक्शन भरेगा और सोलह के साथ अगला भी सोलह हज़ार आठ सौ सोलह हज़ार आठ सौ यानी कि पचास हज़ार रुपये के साथ तुम एक अच्छा बिज़नेस वर्ल्ड क्लास का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो तो क्या ए मीटिंग कराना चाहेगा क्या ए मीटिंग कराना चाहेगा यस, ऑफ़ कोर्स वो मिट्टी कराना चाहेगा और ऐसा अगर करता है तो ही विल रिसीव फ्रॉम हेयर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ एंड ए का सेक्शन कंप्लीट होते ही पूरा टेबल मिस्टर ए उठ के कहा जाएंगे अपने अप्लाई यानी कि यू के टेबल में यू के टेबल में जगह कहाँ खाली है ऑफ़ कोर्स बी के सामने तो मिस्टर ए यहाँ आ जाते हैं और काम शुरू होता है और इस प्रकार आपका तीसरा सेक्शन भी भरता है और पूरा पचास हज़ार आपका इनकम ये तो हो ही गया सर लेकिन सबसे मज़ेदार कि मिस्टर बी भी यहाँ पे एक्टिव हो गए और मिस्टर बी को भी ये स्क्रीन भेजा गया कि भाई तेरे टेबल में तीन लोग ऑलरेडी गिफ्ट आ चुके हैं अगर तू अर्निंग मोड पे है अगर तू अपनी मीटिंग शुरू कर और दो तो तीन लोग को लगा दे या मीटिंग करा दे तो तेरा पहला इनकम यानी सोलह हजार आठ सौ के साथ साथ पचास हज़ार चार सौ और बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है तो क्या मिस्टर बी मीटिंग कराना चाहेंगे यस yes, कोर्स कराना चाहेंगे कराएंगे तो वेल एंड गुड बिजनेस स्टार्ट एंड कंटिन्यू लेकिन मैं एक परसेंट मान लेता हूँ कि इसके बावजूद भी कोई ऐसा मिले जो ना उठाए फोन और वो नहीं करा पाए तो वहाँ भी कंपनी आपको अवसर दे रही है वहाँ भी विकल्प है आप सीधे कंपनी बी से बात करें तेरे को काम करने का है या नहीं यस yes नो no. अगर नो तो उसे हम रिप्लेस करेंगे एक न्यू मेंबर के द्वारा और बदले में ऑनरशिप चेंज करते हुए छः हज़ार रुपये प्लस वर्कबुक उनको वापस किया जाएगा और एक नए बंदों को यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए नया बंदा आ जाएगा नया बंदा जिसकी भी आई लगेगी ऑलरेडी उसके टेबल में तीन लोग गिफ्ट हो चुके हैं बिना उसके किए अब वो पहले ही मीटिंग कराएगा और सोलह उठाते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी का भी पैसा नहीं फंसता है जय जी में डूबता है ये सबसे जबरदस्त अनोखा और, और अलग प्लान है ये हमें समझने की जरूरत है जहां मार्केट में किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता यहाँ एक भी बंदा चलेगा तो आपको लीडरशिप में लेके जाएगा और आपको सारा इनकम दिलाएगा आपके सारे बंदों को एक्टिव भी करता है सो वेल एंड गुड डेफिनेटली जबरदस्त प्लान है ये एक और सवाल कई लोग कहते हैं कि मैं ही करूंगा तो भरेगा डेफिनेटली ऐसे लोग की ही जरूरत है यार यहाँ वर्किंग प्लान है एंड वी नीड टू बी वेरी एम्बीशियस एंड एक्टिव पर्सन बट ऐसा भी होता है खूबसूरती है सिस्टम की कि कोई ऐसा नहीं भी करता तो भी टेबल भरता है बिना काम किए भी क्या आपका टेबल भर सकता है हाँ जी बिल्कुल ये भर सकता है क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल है कई लोग बोलते हैं कि मुझे ही तो करना पड़ता है जी नहीं साहब ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए बट इसकी खूबसूरती है इस प्लान की इसलिए मैं एक बार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ आइए समझते हैं हम लोग कि बिना काम के भी क्या टेबल भर सकता है ये हुए आप अपलाइन और अपलाइन के टेबल में आप आ गए और मिस्टर ए एंड बी अप्लाइन इज वर्किंग आप काम नहीं कर रहे हो आपने काम नहीं कर रहे हो आप लेकिन अप्लाइन तो काम कर रहा है और अप्लाइन ने जैसे ऊपर किया आपका एक सेक्शन अप्लाइन का भरा और अप्लाइन ने उठाया सोलह हजार आठ सौ अब अप्लाइन के द्वारा जो ए बी सी आए थे आपके ऊपर उन्होंने अपना काम जारी रखा और जैसे ही उन्होंने तीन किया आपका एक सेक्शन भरा सोलह हजार आठ सौ को मिलना चाहिए था लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया मिनिमम क्राइटेरिया दो का है अगर मिनिमम दो भी आप किए होंगे तो आपको पेमेंट कंपनी नहीं रोकती बट आपने कुछ भी नहीं किया था ऐसे स्टेज टू ने किया थ्री ने किया और आप देखेंगे पूरा पचास हजार चार सौ का आपका लॉस अगर आप सिर्फ दो किए होते तो इस पचास हजार चार सौ इनकम के साथ वर्ल्ड क्लास का बिजनेस की शुरुआत भी कर देते तो बिना काम किए अभी टेबल भरता है जी हाँ भरता है लेकिन फिर भी मैं आह्वान करूंगा कि हमें वर्किंग प्लान के हिसाब से एक अच्छे बिज़नेस पार्टनर और एमबिशियस लोगों के साथ इस बिज़नेस को लेकर चलना है चूंकि ये अभियान बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पूरे भारत में फैल रहा है शुरुआत है अभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म की दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आज इसको समझ लेंगे अगले तीन साल अगर उन्हें दिल से काम किया तो फिर आगे उन्हें कभी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने बड़े लेवल पर आपकी हैसियत बढ़ सकती है अचीवमेंट आ सकती है इतने इस पावरफुल सिस्टम का नाम है जी लेकिन दोस्तों अभी तक जो हम देख रहे थे वो है एक्टिव प्लान टेबल प्लान यानी कि हम काम कर रहे थे और हमें पेमेंट आ रहा था एक्चुअल इनकम वो नहीं है और ना ही उसके लिए कोई लीडर काम करता है हम जो भी काम वहाँ कर रहे होते हैं थ्री प्लस के बाद हमारा लीडरशिप शुरू होता है एलू बनना और कहीं ना कहीं लीडरशिप प्रोग्राम के लिए सारे लीडर्स यहाँ पर लगे रहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ आता है हमें पैसिव इनकम यहाँ आता है हैंडसम इनकम और डेली का डेली जबरदस्त इनकम आता है जिसको पाने के लिए हर एक व्यक्ति यहाँ पे कार्यरत रहता है कैसे मिलता है लीडरशिप क्वालिफिकेशन सबसे पहले आप आते हैं और अपने लाइफ में जैसे ही आप थ्री डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं वहाँ से आपका बिजनेस काउंट होना शुरू हो जाता है और जिस दिन पचास सेल्यू मिल जाता है आपको लीडरशिप यूनिट मिलती है कैसे मिलता है ये हर चालीस हज़ार के बिज़नेस पे आपको एक एल मिलता है एक लीडरशिप पॉइंट मिलता है अगर हम चालीस हज़ार को पचास से डिवाइड करें तो चार पचे बीस बीस लाख का बिज़नेस अगर पूरी टीम के द्वारा आपका हो गया सपोज करते हैं आपके टीम में बीस बंदे हैं बीस बंदों को आपने पचास पचास हज़ार रुपये कमा दिए उनका लाइट टेबल कम्प्लीट करा दिया तो बीस बंदों का पचास पचास हज़ार कम्प्लीट कराना मतलब बारह बारह बंदे उनके टेबल में आ गए यानी बीस इंटू बारह दो की टीम यानी कि लगभग ढाई की टीम होते ही आपका बिस्ला का बिजनेस एंड आप लीडरशिप वन में जाते हैं और दोस्तों यहां से शुरू होता है ज़बरदस्त इनका पचास एल्यू के बाद लीडरशिप वन आते हैं और पर एल उसके बाद आपके लिए बारह सौ रुपये बनना शुरू होता है और ये डेली का डेली होता है अगर डेली दो एल भी आता है पूरी टीम से ढाई की टीम से तो डेली चौबीस सौ यानी कि बहत्तर हज़ार महीने का मिनिमम ये मैं बात कर रहा हूँ अगर डेली पाँच एल आता है तो छः हज़ार रुपये पर डे का ये शुरू होता है एक लाख अस्सी हज़ार रुपये महीने का होता है डिपेंड करता है आपके टीम साइज़ में कि, कि कितना एल पर डे आपसे आ रहा होता है ऐसे लेवल टू में जाएंगे तो सौ एल्यू पे सोलह हज़ार रुपये हमको सोलह सौ सो रुपया पर एल मिलता है यानी कि अगर पाँच एल हमारा बंदा पर डे का तो आठ हज़ार रुपये पर डे शुरू होता है ये लीडरशिप यूनिट और साथियों इसके लिए आप क्या कर रहे हो कुछ भी नहीं क्योंकि ये एक्टिव नहीं पैसिव इनकम आता है ये पूरी टीम अपनी टेबल के लिए काम कर रही होती है बट यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलता है और इसी प्रकार ये लीडरशिप का लेवल बढ़ता जाता है लेवल फोर लेवल फाइव लेवल सिक्स लेवल एट और टोटल है लेवल पंद्रह पंद्रहवें लेवल पर साथियों इतना बड़ा अमाउंट होता है जिसको सुनने और समझने के बाद दिमाग के तार हिलने लगते हैं झंकार होने लगता है कई लोगों को यकीन नहीं होता बट साथियों हो, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कई वीर पैदा हो चुके हैं जो इस कंपनी में इस लेवल को अचीव भी किए हैं और इसे एंजॉय कर रहे हैं और सौभाग्य रहा हम लोग की उनके साथ हमारी मुलाकात भी हुई हम लोग मिले भी और देखे भी वाकई अद्भुत सिस्टम है सर पिछले पाँच से सात सालों में लोगों ने इस लेवल को अचीव किया है बहुत बड़ी बात है जानना चाहेंगे पंद्रहवें लेवल पर क्या इनकम होती है जी हाँ यू वन वी बिलीव सात अरब तिहत्तर करोड़ बत्तीस लाख ये पंद्रहवें लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत बड़ा अमाउंट है मैं कहता हूँ कि सर अगर फिफ्टी परसेंट ही बटा फिफ्टी परसेंट मुझे मिला तो भी तीन अरब छियासी करोड़ रुपए मिलेंगे अगर पच्चीस परसेंट ही मुझे मिला सेवेंटी फाइव परसेंट टीम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ देन ऑल्सो आई रिसीव एक अरब तिरानवे करोड़ तैंतीस लाख मैं बात करता हूँ सिर्फ दस परसेंट ही मुझे मिला नाइन्टी परसेंट टीम को बटा तो भी सतहत्तर करोड़ रुपए मिलेंगे और सर इससे नीचे भी बात नहीं करना चाहिए इतने भी डाउन नहीं है टेन परसेंट मिनिमम बुरे से बुरे कंडीशन में व्यक्ति पहुँच सकता है सौ करोड़ दो सौ करोड़ तो इसलिए अगर पच्चीस परसेंट की हम बात करें अगर हम पाँच साल में भी पहुँचते हैं पच्चीस परसेंट पर देन हमारा इनकम क्या होगा सर महीने का होगा ये तीन करोड़ बाईस लाख रुपए पर मंथ होगा और पर डे की बात करेंगे तो दस लाख उनसठ हज़ार पर डे की बात होगी टेन परसेंट की भी बात करें पाँच सालों में तो एक करोड़ अट्ठाईस लाख रुपए पर मंथ होगा डेली की बात करें चार लाख तेईस हज़ार पर डे का होगा साथियों चाहे हम टेन ईयर्स में ही पहुँचे मैं बनता मैं बहुत स्लो चला बहुत धीरे चला अगर धीरे भी चला तो भी दस साल जाते जाते भी अगर मैं टेन परसेंट भी अचीव कर पाया तो ये होगा चौंसठ लाख चौला चौवालीस हज़ार पर मंथ का इनकम पर डे की बात करूँ तो दो लाख ग्यारह हज़ार पर डे की इनकम होगी अगर अगले दस साल बाद ये लेवल आता है आप अपने आप से सवाल पूछिए कौन सा ऐसा बिजनेस कौन सा ऐसा जॉब आप कर रहे हैं या आफ़्टर फ़ाइव ईयर्स या आफ़्टर टेन ईयर्स आपकी ये अचीवमेंट आप होगी इतनी इनकम होगी साथ ही लीडरशिप अवार्ड्स भी हैं यहाँ पे एक से एक लीडरशिप अवार्ड आपको मिलेगा लेवल टू थ्री फोर फाइव टेन ऐसे करते हुए बट सबसे ब्यूटीफुल लेवल पंद्रह पे नज़रें जम जाती यहाँ है चमचमाती प्योर गोल्ड से स्कोल्ड के रॉल एक्स वॉच जिसकी वैल्यू मार्केटाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है मैं खुद नहीं बताऊंगा मैं चाहूंगा आप गूगल करें और इसे सर्च करें और देखें एक जबरदस्त तोहफ़ा गिफ्ट आपको पंद्रह लेवलों में मिलता है सो so, साथियों don't मिस the राइट टाइमिंग इन बिजनेस टाइमिंग इज everything. You यू नीड टू बी इन right राइट प्लेस एट right राइट टाइम और राइट प्लेस पे राइट टाइम पे राइट प्लेस पर राइट डिसीजन की ज़रूरत होती है आज आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं सही टाइम के साथ हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी आज इंडिया में अवसर है बहुत बड़ा शुरुआत हो रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म की इंडिया में तो कहीं ना कहीं आज ये डिसीजन लेने का टाइम है और जो लोग आज डिशी लेंगे सर जिंदगी में बहुत आगे रहेंगे थैंक यू वेरी मच